नमस्कार, आज बात की जाए उनकी जिसने भारत की सीमाओं को निर्धारित किया, या फिर बात की जाए उनकी जिसने भारत के राज्यों की सीमा वे भारत के राज्यों के नाम वे भारत के राज्यों का गठन वे उनके विस्तारण का अनुमोदन किया। सिलसिलेवार तरीके से मैं आप सभी के सामने यह प्रस्तुति देने जा रहा हूँ कि किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। मैं सचिन सोनी 100% अकेडमी हरियाणा की तरफ से आप सभी के सामने यह प्रस्तुति सिलसिलेवार तरीके से रखने जा रहा हूँ। भारत व भारत के राज्य क्षेत्र, ये हमारे भारत की संविधान भाग एक और अनुच्छेद एक से लेकर चार में अनुमोदित किया गया है। आर्टिकल एक यानी कि अनुच्छेद एक के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ एक ही अंतर है, वह यह है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट में राज्य अपने देश में एक एग्रीमेंट के तहत इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में कोई भी राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकता या अलग से एक देश अपने आप को घोषित नहीं कर सकता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार जब संविधान सभा चल रही थी तो उस समय अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत को राज्यों का संघ कहना सही होगा बजाय इसके कि संघीय राज्य उसे कहा जाए, क्योंकि संघीय राज्य कहने के या राज्य के संघ कहने के दो कारण थे। पहला कारण कि कोई भी राज्य खुद किसी भी एग्रीमेंट के तहत अपने देश में सम्मिलित नहीं है। दूसरा, जिस तरह से अमेरिका ने अपने फेडरेशन में एक एग्रीमेंट किया कि कोई भी राज्य अपने देश से अलग हो सकता है, इस तरह से कोई भी एग्रीमेंट किसी भी राज्य ने अपने देश के साथ नहीं किया है। इसी संदर्भ में जो हमारा देश है वह एक यूनियन ऑफ स्टेट है और इसे राज्यों में इसलिए विभाजित किया गया है ताकि हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है वह आसानी से लागू हो सके। आर्टिकल एक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है पहला राज्य, दूसरा संघ शासित प्रदेश, तीसरा वह प्रदेश जिसे भारत सरकार अपने अधिकार में लेगी या ले सकती है। राज्य और संघ शासित प्रदेश के नाम पहली अनुसूची में राज्यों के नाम राज्यों व संघ शासित प्रदेश के नाम व उनकी सीमा को निर्धारित किया गया है व राज्यों के संदर्भ में संविधान में सभी उपबंध समान रूप से लागू होंगे, सिर्फ
एक राज्य को छोड़कर वो है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जो प्रणाली चली उसके तहत अब जम्मू कश्मीर हमारा एक यूटी बनकर रह गया है, यानी कि संघ शासित प्रदेश बनकर रह गया है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि 9 यूटीज हैं। कई बार देश ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय इन्हीं अनुच्छेदों के अनुसार हमारे देश ने कई देशों पर, यानी कि कई भाग पर, हमारे जैसे दमन एंड दीव, गोवा, दादर एंड नादर हवेली पर कब्जा किया था। वो इन्हीं आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के तहत ही उन पर अधिकार किया था। जब इस अनुच्छेद, यानी कि जो राज्य के संदर्भ में जो भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है वह समान रूप से तो लागू होता ही है, लेकिन एक विशेष राज्यों पर यह लागू नहीं होता है, या फिर यूँ कह लीजिए इन उपबंधों का कुछ खास असर उन राज्यों पर नहीं दिखाई पड़ता है। वह कुछ खास राज्य इस प्रकार हैं, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, सेवन सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और अन्य कुछ राज्य। तो दोस्तों, पांचवी व छठी अनुसूची में राज्य के भीतर जो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की प्रणाली को उल्लेखित किया गया है। वह आर्टिकल 2 के अनुसार आर्टिकल 2 के अनुसार भारत के बाहरी क्षेत्र बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 2 में भारत के बाहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रावधान है। इसमें
बताया गया है कि भारत के जो बाहरी क्षेत्र हैं यानी कि अनुच्छेद एक के अनुसार जो सीमाएं हमें निर्धारित की गई हैं उसके अलावा जो भी क्षेत्र है उसको किस तरह से अपने अधिकार में लाया जाए। जैसे मैंने बताया कि दमन एंड दीव, गोवा, दादर एंड नादर हवेली पर जिस तरह से भारत की सरकार ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय अधिकार किया था, तो इसी आर्टिकल के तहत उन सभी राज्यों पर अधिकार किया था। आर्टिकल 3 में यह बताया गया है कि इस एक्ट में भारत के नए राज्य व राज्य की सीमा को किस तरह से बढ़ाया व घटाया जाए, यानी कि सीमाओं में किस तरह से बदलाव किया जाए। इसमें भारत के नामांकन यानी कि भारत के जो राज्य हैं, जो नए गठित राज्य हैं, उनके नामांकन का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया को करने के लिए संसद में विधेयक लाया जाता है और वह राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक लाने से पहले उस राज्य की विधानमंडल से बातचीत की जाती है और यह राष्ट्रपति का अपना खुद का विवेक है कि वह उसकी सलाह को माने या ना माने। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 राज्य की सीमा और उसका नामांकन। आर्टिकल 3 में उल्लेखित है। तो चलिए दोस्तों, और कुछ हम जानते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए जो प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी प्रावधान आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया जाएगा या आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत जो भी प्रावधान संविधान में किया जाएगा उसमें विशेष बहुमत व विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन की प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 368 में उल्लेखित है। यह प्रोसीजर सामान्य जो हमारी सामान्य बहुमत से का जो प्रणाली है उसी से इस प्रावधान को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस संशोधन में 3 तरीके से हमारा प्रावधान किया जा सकता है। पहला सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ 2 तरीके हैं हमारे संविधान में किसी भी प्रावधान को लेकर। पहला विशेष बहुमत, दूसरा विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब आर्टिकल 2A के तहत हमने 35वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत की सीमा में जोड़ा था। फिर अमेंडमेंट 36वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस 35वें अमेंडमेंट एक्ट को खारिज कर दिया गया और सिक्किम को एक नॉर्मल स्टेट के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जबकि इस राज्य की जो विधानमंडल की सीटें हैं वह 32 ही हैं और राज्य गठन करने के लिए किसी भी राज्य को गठन करने के लिए 60 विधानसभा सीटों का अनुमोदन होना ज़रूरी है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान के तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि संसद की जो राज्यों के गठन के लिए जो हमारी शक्तियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियोस को ऐसे शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।